मेरा नाम है अभिषेक सिंह राजपूत, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस के परिचय के लिए मैं आपको चार पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। जहां विराजमान है भोले शंकर, है महादेव घटघटवासी, उस नगर का रहने वाला हूं, मेरे हृदय में बसती है काशी। आवाज थोड़ी कांप रही है। एक्चुअली ये जो मैंने पोएट्री लिखी है, ये एक ऐसी इश्क की दास्तान है जो मुकम्मल नहीं हो पाई। एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड से उसकी खुद की स्टोरी सुनी थी तो लिख दी। वो एक लड़की से बड़ा ही इश्क करता था लेकिन कभी उससे बोल नहीं पाया, तो कुछ उससे इंस्पायर होके और कुछ अपनी पंक्तियां जोड़ी है मैंने। एक तरफा इश्क किस तरह से बयां किया गया, पंक्तियां सुनिएगा। जाने क्यों तुमसे नहीं बोल पाता, जाने क्यों तुमसे नहीं बोल पाता हूं, अंदर ही अंदर घुट कर रह जाता हूं। प्यार करता हूं बेइंतहा तुमसे, पर यह बात मैं किसी से नहीं बताता हूं। डरता हूं कहीं तू इनकार न कर दे, ये जमाना हमें अस्वीकार न कर दे। अपनी भक्ती सांसों में भी मैं तुझे ही पाता हूं, पर जाने क्यों तुझसे नहीं बोल पाता हूं। मैं आज भी रातों में ठीक से सो नहीं पाता हूं, मैं आज भी रातों में ठीक से सो नहीं पाता हूं। अपने ख्वाबों में मैं भी सिर्फ तुझे ही पाता हूं। खो न दूं कहीं मैं तुझको, ऐसा सोच कर भी मैं डर जाता हूं। कोशिश लाख करता हूं कि तुझसे बोल दूं, कोशिश लाख करता हूं कि तुझसे बोल दूं, अपने राज सारे मैं तेरे आगे खोल दूं। कोई पर्दा ना रहे तेरे मेरे दरमियान, चलो इस बात को आगे बढ़ाता हूं, पर जाने क्यों तुझसे नहीं बोल पाता हूं। जलन जब खुद बोल नहीं पाते हैं लेकिन किसी और के साथ देखते हैं तो जलन होती है। तो तेरा हाथ किसी और के हाथ में देखकर मैं बेचैन सा हो जाता हूं। किसी और की हो जाएगी तू ऐसा सोचकर भी सहम जाता हूं। तुझे खोने के डर से मैं तुझे कुछ नहीं बताता हूं, पर आज भी तुझसे एक तरफा इश्क किए जाता हूं। ये राज खुद में ही दफन कर, ये राज खुद में ही दफन कर दिन रात सुलगता जाता हूं और इसी तरह अपना इश्क जिए जाता हूं, पर आज भी जाने क्यों मैं तुझसे नहीं बोल पाता हूं। अब खुद तो बयां नहीं कर पाए तो उम्मीद करते हैं कि सामने वाला खुद समझ जाए, तो तरह तरह के स्टेटस फेसबुक व्हाट्सएप पे लगते हैं पर कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो कुछ पंक्तियां उसके लिए कि ना आए पास वो मेरे न समझे घाव वो मेरे, ना आए पास वो मेरे न समझे घाव वो मेरे, न हम उनको समझ पाए न वो हमको समझ पाए। अब वक्त बीतता है, वो किसी और के साथ होती हैं और अनायास ही एक दिन उनकी मुलाकात हो जाती है। अब वो किसी और के साथ सेटल हैं या आज भी अकेले उनके इश्क में मजनू बने फिर रहे हैं, तो उनसे पूछती है कि कैसे हो, तो उनका जवाब आता है कि अब मैं भूल, ये मेरी फेवरेट है, कि अब मैं भूल चुका खुद को, कोई मेरा नाम तो बतलाओ, कि अब मैं भूल चुका खुद को, कोई मेरा नाम तो बतलाओ। फिराके इश्क में रुसवाइयां जो तुमने बख्शी हैं, कोई तो अश्क ले आओ गमे रुखसार ले आओ। दर्द दर्द तकलीफ कोई खंजर तो ले आओ, कोई तलवार ले आओ, कोई खंजर तो ले आओ, कोई तलवार ले आओ, कोई जाओ मेरी मौत का औजार ले आओ। मौत जब कोई इंसान मृतक अवस्था में होता है तो उसकी जो अंत्येष्टि हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जब हम बॉडी को उठाते हैं, रस्सी या फिर लकड़ी तख्ती जो भी है, तो उन चीज़ों को मैंने इसमें जोड़ा है। कोई रस्सी तो ले आओ, कोई तख्ती तो ले आओ, कोई रस्सी तो ले आओ, कोई तख्ती तो ले आओ, मेरे यारो मेरी अर्थी का तुम सामान ले आओ। लिटा दो तख्त पर मुझको, लिटा दो तख्त पर मुझको, मेरे अंजाम ले जाओ, उठाओ लाश को मेरी कोई शमशान ले जाओ। अंतिम दो लाइनें कि मेरी मैयत पे आना तो मुझको विदा देना, मेरी मैयत पे आना तो मुझको विदा देना, बुझा हूं नींद में ऐसी कोई दोजख में दफनाओ। धन्यवाद।